हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे यदि आपको भी एंड्राइड स्टूडियो में एक एरर मिल रहा है कि एक्टिविटी नॉट फाउंड, तो इस एरर को कैसे रिजॉल्व करेंगे वो मैं दिखाने वाला हूँ। इसके वजह से ग्रेटर व्हील फेल्ड होता है। तो अगर आपका कोई ऐप क्रैश हो रहा हो तो मैक्सिमम रीजन ये भी होता है कि आप में जो एक्टिविटी ही है वो फाउंड नहीं दिखाता हो, जो कि मैनिफेस्ट में डिक्लेयर नहीं होता है। तो जैसे मेरे केस में क्या है कि यहाँ पर दिखा रहा है अनेबल टू फाइंड एक्सप्लिसिट एक्टिविटी क्लास, ठीक है। तो अगर यह एरर आ रहा है आप में तो क्या करना है, इसको कॉपी करना है और इस तरह का आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा एक्टिविटी जो एंड्राइड मैनिफेस्ट होता है। तो मैं उसके अंदर जाऊंगा और यहाँ पे जो इस नाम से बना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस नाम से एक एक्टिविटी बनाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, ठीक है। मतलब उसे डिक्लेयर करना होगा। मैं एक्टिविटी बना तो लिया हूँ, उसे मैं कॉपी पेस्ट किया था, इस वजह से मुझे एरर आ रहा है। जैसे अभी जो काम डाट बना हुआ है तो इसको पूरा लिखना जरूरत नहीं है, आपको केवल क्या करना है एक्टिविटी का नाम लिखना है बस, ठीक है। जो भी आप बनाए होंगे यहाँ पे पैकेज नाम के सहित, तो मैं पैकेज के अंदर बनाया हुआ एक्टिविटी, तो मुझे उस तरह का उसका पूरा पाथ देना होगा। यदि आप नहीं देते हैं तो आप में इस तरह एरर आएगा। तो अभी देखिए मैं क्या किया हूँ, यहाँ पे इसको मैं कॉपी करके और यहाँ पे उसका नाम चेंज कर दूंगा, हिंदी यूनिट वन कर दूंगा, तो जो मेरा एरर है वो रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट वन जो मुझे एरर आ रहा था, मैं एक नीचे वाला हटा दूंगा ये वाला, जो तो मैं केवल टेस्ट के लिए किया था। अब मैं जब रन करूंगा ना यहाँ से, तो जो मेरा एरर है वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी आपको मतलब एक्टिविटी में एरर इस तरह आ रहा है तो आपको पहले मैनिफेस्ट में चेक करना होगा, नहीं तो आपका ऐप क्रैश हो जाएगा। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो उस एक्टिविटी पर जाएगा तो सब कुछ सही रहेगा, पूरा कोड सही रहेगा, लेकिन अगर इसमें नहीं रहेगा तो आपको यहाँ पे एरर देखने को मिलेगा। और यहाँ देख रहे हैं हो गया मेरा, मतलब पूरा इंस्टॉल पूरी तरह से हो गया, मतलब वो जो एरर था वो रिजॉल्व हो गया मेरा।